हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हम गणेश जी के लिए उनका प्रिय भोग प्रसाद बनाएंगे, जो जल्दी बन जाए और लंबे समय तक खराब भी नहीं होगा। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। प्रसाद बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कप मैदा लिया है और इसमें एक चुटकी नमक डालेंगे। मोम के लिए एक चम्मच घी डालेंगे। यहाँ मैंने घी का यूज़ किया है क्योंकि हम प्रसाद बना रहे हैं। आप इसकी जगह ऑयल या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। घी डालकर साफ हाथ से हम घी को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने मैदे को एक मिनट के लिए अच्छे से मिला लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मीडियम सॉफ्ट डो लगा लेंगे। जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं, वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैदे का भी हम मीडियम सॉफ्ट डो लगा लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैदे को अच्छी तरह से गूंथ लिया है और ये देखिए, मैदा का मीडियम सॉफ्ट डो बनके तैयार हो गया है। हमें इसे ऐसा ही बनाना है और अब हम इसे ढक कर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। डो हमारा सेट होता है तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए ये देखिए, एक कप फ्रेश नारियल लिया है। यहाँ मैंने नारियल को छील कर अच्छे से धो के काट लिया है और अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। ग्राइंडिंग जार में डालकर हम इसका ढक्कन लगा करके इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। नारियल को यहाँ मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया और नारियल हमारे बिल्कुल परफेक्ट ग्राइंड हुए हैं। और चलिए अब हम स्टफिंग बनाने स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे और इसमें 3 से 4 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल डाल करके हम इसे मीडियम फ्लेम पे 30 से 40 सेकेंड के लिए इस तरह मिलाते हुए भून लेंगे, जिससे तिल का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और तिल हमारे अच्छी तरह भून जाएंगे। और ये देखिए, तिल को भूनते हुए 30 सेकेंड हो गए हैं, तिल का कलर भी चेंज हो गया है। हम इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और पैन को एक बार फिर से गर्म होने के लिए रखेंगे। पैन में एक चम्मच घी डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया, हम इसे स्पैचुला से पैन में अच्छी तरह फैला लेंगे और अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए फ्रेश नारियल डालेंगे। नारियल डाल करके हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही इस तरह चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे नारियल का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और नारियल हमारे घी के साथ अच्छे से भुन भी जाएंगे, जिससे नारियल में घी का अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। नारियल हमारे अच्छी तरह भुन गए हैं और अब हम इसमें 2 चम्मच गुड़ डालेंगे। यहाँ मैंने मेल्टेड गुड़ का यूज़ किया, आपके पास जो अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। गुड़ की जगह आप इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ डाल के हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही 3 से 4 मिनट के लिए गुड़ के साथ नारियल को अच्छी तरह मिला लेंगे, जिससे नारियल और गुड़ हमारे मिक्स हो जाएंगे और नारियल का गुड़ में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने नारियल और गुड़ को अच्छी तरह मिला लिया है और अब नारियल में भुना हुआ सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल डालने से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तिल डालकर हम इसे इस तरह चलाते हुए 1 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे नारियल का मॉइस्चर सूख जाएगा। और ये देखिए, स्टफिंग हमारा बनके तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ करके हम इसे ठंडा होने देंगे। डो को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, डो हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। हम इसे एक बार फिर से हाथ से मिलाते हुए डो को स्मूथ या चिकना कर लेंगे। डो को हाथ में लेकर हम इसका इस तरह तोड़कर छोटे छोटे लोई बना लेंगे। और अब हम एक लोई लेंगे, लोई को इस तरह गोल घुमाते हुए उसे दबा लेंगे और अब हम इस पे थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगा करके हम इसे बेलन से पूड़ी के साइज में अच्छी तरह बेल लेंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और अब हम इसके बीच में 1 चम्मच नारियल वाला स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग डालकर हम इसके किनारे को इस तरह फोल्ड करते हुए
प्लेट बना लेंगे। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, यहाँ मैंने किनारे को दबाते हुए अच्छे से इसका प्लेट बना लिया है। और अब सारे प्लेट को दबाते हुए इस तरह बीच में मिला लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे बीच में अच्छी तरह दबा लिया है। और ये देखिए, हमारा मोदक बनके तैयार हो गया है। और ये देखिए, बिना सांचे के ही हमारा परफेक्ट मोदक बनके तैयार हो गया है। मोदक बना के हम इसे प्लेट में रखेंगे। और चलिए, अब हम सेम तरीके से एक और मोदक बनाते हैं। यहाँ मैंने बीच में स्टफिंग रखा है और स्टफिंग रखकर किनारे को दबाते हुए प्लेट बना लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे प्लेट बना के तैयार कर लिया है। और अब हम सेम तरीके से इसे भी दबा करके बीच में मिला लेंगे और मोदक का शेप देंगे। और ये देखिए, यहाँ हमारा दूसरा मोदक बनके तैयार हो गया है। और सेम तरीके से हम सारे मोदक बना लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे मोदक बना के तैयार कर लिया है। और चलिए, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई को हाई फ्लेम पर गर्म होने देंगे। फ्राई करने के लिए हम इसमें तेल डालेंगे। मोदक को आप घी या कोई भी कुकिंग ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। बस आप इसे मस्टर्ड ऑयल में फ्राई ना करें, वरना इसका फ्लेवर थोड़ा सा बदल जाएगा। तेल में छोटा सा बॉल डालकर हम इसे चेक कर लेंगे। और ये देखिए, बॉल हमारा धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है। इसका मतलब है कि तेल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। हम इस टाइम पर इसमें मोदक ऐड करेंगे। मोदक तेल में डाल करके हम एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसे फ्राई होने देंगे, जिससे मोदक हमारे तेल ऑब्जर्व नहीं करेंगे और ये तेल में अच्छी तरह से फ्राई होंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने एक एक करके तेल में सभी मोदक को डाल दिया है। आप भी इस तरह से मोदक बना करके फेस्टिवल में 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अब हम मोदक को इस तरह चम्मच से पलट देंगे। पलट कर हम इसे दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे मोदक को पलट दिया है। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे मोदक हमारे अंदर तक पकेंगे और मोदक पे बहुत ही अच्छा गोल्डन या सुनहरा कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने मोदक को पलटते हुए अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और इसमें बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर भी आ गया है। और अब हम सारे मोदक को एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे मोदक को प्लेट में निकाल लिया है। और चलिए, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मेरे 2 मोदक एक्स्ट्रा हो गए थे। हम इसे दूसरे प्लेट में रखेंगे। और ये देखिए, हमारे फ्राई मोदक बनके तैयार हो गए हैं। इस गणेश चतुर्थी आप भी अपने घर पे बनाएं और इसे 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी और आसान लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। और अब हम मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वीडियो